बच्चे को आप डायपर पहनाते हो और डायपर पहनाने से बच्चे की स्किन पर डायपर रैशेस हो जाते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अब ऐसे में उन डायपर रैशेस को कैसे कम करें, कैसे बच्चे को राहत दिलाएं, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो मॉमीज एंड डैडी, नमस्कार, मैं हूँ रेशु आप सबके साथ और आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि बच्चे की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बच्चे के साथ कोई भी छोटी से छोटी लापरवाही से भी बच्चे की स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, बच्चे की स्किन पर लाल दाने निकल आते हैं, मतलब स्किन से जुड़ी बच्चे को समस्याएं हो जाती हैं, यहाँ तक कि हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी बच्चे को हो जाती हैं। तो बच्चे के साथ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उन्हीं में से एक समस्या होती है डायपर रैशेस की। एक तरीके के डायपर रैशेस जैसे कि बच्चे को जहाँ पर आप डायपर पहनाते हो वहाँ पर एकदम से बच्चे की रेड रेड निशान से पड़ गए हैं, कट्स टाइप के दिख रहे हैं, पानी सा वहाँ से निकल रहा है, चकत्ते टाइप के हो गए हैं, तो इनको डायपर रैशेस बोला जाता है। इनको ठीक करने के लिए कुछ टिप्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। पहली चीज है कि बच्चे के डायपर रैशेस एरिया पर आप नारियल तेल लगा सकते हो। कैसे लगाना है, पहले तो जो बच्चे का डायपर रैशेस एरिया है उसको आपको पहले हल्के गुनगुने पानी से क्लीन कर लेना है, उसको ड्राई होने देना है। फिर उसके बाद उस पर आपको कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। कोकोनट ऑयल को अच्छे तरीके से आप जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक वेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे को डायपर पहनाना है। जितने बार भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो उतने बार ही सेम तरीका आपको अपनाना है। स्किन को क्लीन करना है, गुनगुने पानी से कोकोनट ऑयल लगाना है, एब्जॉर्ब होने के बाद ही बच्चे को डायपर पहनाना है। साथ ही आप डायपर रैशेस को कम करने के लिए अपनी ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ भी कर सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ आपको सेम तरीके से करना है कि बच्चे की स्किन को पहले क्लीन करना है, उसके बाद अपने ब्रेस्ट मिल्क को लगाना है, एब्जॉर्ब हो जाने पर ही बच्चे को फिर आपको डायपर पहनाना है। ये भी आपको उतनी बार ही करना है जितनी बार आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो। साथ ही साथ बच्चे को गर्मियों का टाइम चल रहा है, दिन में डायपर फ्री आप रखें, ज़्यादा डायपर गर्मियों के टाइम पर बच्चे को ना पहनाएं, क्योंकि पसीने की वजह से बच्चे में ज़्यादा डायपर रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हो सके तो केवल नाइट में ही बच्चे को डायपर पहनाएं, दिन में बच्चे को डायपर फ्री रखें। साथ ही टाइम टाइम पर बच्चे का डायपर चेक करते रहें, बच्चे ने पॉटी पास तो नहीं कर दी है तो तुरंत डायपर चेंज करें। साथ ही साथ बच्चे का डायपर ज़्यादा तो नहीं भर गया है यूरिन से, ज़्यादा वेटनेस तो बच्चे को फील नहीं हो रही है, क्योंकि वेटनेस की वजह से बच्चे में ज़्यादा डायपर रैशेस होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आप बच्चे के डायपर रैशेस को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हो और बच्चे को डायपर रैशेस से भी बचा सकते हो। अगर बच्चे को डायपर रैशेस नहीं भी है तो भी आपको ये सेम स्टेप फॉलो करने हैं डेली, ओके। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को डायपर रैशेस से बचा पाओगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी, आई होप हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।